हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आज की इस लेक्चर में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हाई स्कूल में बायोलॉजी है टेंथ की एनसीईआरटी पैटर्न पर जो यूपी बोर्ड पर, उसमें से आज आपका एक चैप्टर है जैव प्रक्रम बायोलॉजी में, उसमें से आज आपको हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन बता रहे, अति लघुत्तरी प्रश्न बता रहे हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको पहले चैप्टर का कुछ अति लघुत्तरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसे आप बढ़िया तरीके से ध्यान से देखें और आपको अगर मालूम है तो आप अपने आप को एक बार चेक करें कि क्या आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को नए नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया पहला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि मनुष्य में 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णमूल। 3 जोड़ी मनुष्य में क्या हुआ करती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा भोजन होता है, जब उसका पाचन हो जाता है तो भोजन अंतिम अवस्था में पहुँचता है छोटी आंत। छोटी आंत का एक भाग होता है अंगुली सदृश भाग होता है, जिसको आप लोग रसांकुर कहा करते हो। उसी रसांकुर में क्या हुआ करता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है और इसी क्रिया को हम लोग एक तरीके से अवशोषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पित्तरस कहाँ बनता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो है स्क्रीन पर देखिए, पित्तरस कहाँ बनता है। तो बच्चे सोचते हैं पित्तरस पित्ताशय में बनता है, जबकि ये गलत है भैया। पित्तरस जो होता है वो यकृत में बनता है। यकृत जो हुआ करती है वो आपके शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी वाहिस्रावी ग्रंथि होती है। यकृत का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये पित्तरस का श्रावण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जान लीजिएगा। फिर देखिए नीचे एकदम क्वेश्चन का जवाब दिया गया है, पित्तरस का संग्रह कहाँ होता है। तो पित्तरस का जो संग्रह होता है वो कहाँ पर रहता है, पित्ताशय में रहता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम बताइए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। और अगर यही क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड हुआ करती है। जब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है भैया वो छोटी आंत होती है, लगभग 6 मीटर इसकी क्या हुआ करती है, लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन एकदम साफ साफ क्वेश्चन आपके सामने दिखा गया है, पाचन किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पाचन की परिभाषा, यहाँ पे देखिए जो परिभाषा आपके सामने दिखाई जा रही है। पाचन जो हुआ करता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ के कणों को शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण करने योग्य बनाया जाता है। मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है वो बहुत जटिल होता है और हमारे जो पाचन अंग होते हैं उसको तोड़ करके निम्न स्तर में तोड़ देते हैं, जिससे बड़ी आसानी से उसका अवशोषण हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है भैया। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है हमारी छोटी आंत में होता है, जहाँ पे ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन सब का पाचन छोटी आंत में होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो हुआ करता है, दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, एक का नाम होता है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को सभी भागों में पहुँचाए, और फ्लोएम का काम होता है कि ये पत्तियों द्वारा बनाए गए जो भोजन होता है उसको सभी भागों में पहुँचाने का काम करे। याद करने के लिए जाइलम से जल और फ्लोएम से पत्ती याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया भी गया है, जल संवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पौधे के किस भाग से होता है। तो आपको बता दे रहे हैं, पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं, और उन्हीं रंध्र की सहायता से क्या हुआ करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये जान लीजिए, रंध्र का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ने को मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपने विटामिन पढ़ा होगा। विटामिन जो हुआ करते हैं दो प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील।
जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए ई डी के। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी, जिसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी फाइव की कमी से पेलाग्रा रोग हुआ करता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जैव अणु के चैप्टर का, जो जैव प्रक्रम चैप्टर है बायोलॉजी में हाई स्कूल के, उसके हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल कराए। कैसा लगा हमारा प्रयास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।